और ये इस बात की अलामत है कि सामईन जो है ये अब्दुल्ला है, अब्दुर्रहमान है, मुती और रहमान है, यहाँ अल्लाह की इताअत करने वाले रहमान के बंदे बैठे हुए। ये बड़ा मौजज़ा है कुरान करीम का कि जहाँ कुरान करीम की तिलावत होती है तो वहाँ पिन ड्रॉप साइलेंस होता है। हज़रत मौलाना ने कहा है कि कुरान की तिलावत जब शुरू होगी, और आपने कई मरतबा इस हदीस को सुना होगा कि जहाँ कुरान की तिलावत होती है उसके हर हर्फ पर हमको 10 निकियाँ मिलती है। हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, मैं आप तमाम को दिल की अमीक गहराइयों से इस अमृत महोत्सव की मुबारकबाद पेश करता हूं, और अल्लाह सुबहान व तआला से दुआ करता हूं कि ये मुल्क फले फूले बड़ा हो, इसकी खूब तरक्की हो। और हम बार बार इस बात पर हमको उभारा जाता है कि चीज़ को मनाना है, लेकिन ये सबक जो है ये हमारा ही सबक है, क्योंकि हम ईमान रखते हैं और ईमान का हिस्सा है। बहुत लोग इस हदीस को बयान करते हैं, मुझे उसकी सनद के ताल्लुक से ज़्यादा मालूमात नहीं है, लेकिन यह हदीस का एक हिस्सा बयान किया जाता है कि हुब्बुल वतनी जुज़्बुल ईमान, वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। हम अपने आप को अगर मुसलमान कहते हैं तो वतन से मोहब्बत ये लाजिमन है, और हमारे आबा व अजदाद ने इसको वक्तन फवक्त साबित किया है। इस मुल्क की आज़ादी में जितने लोग शहीद हुए उसमें सबसे ज़्यादा हिस्सा जो है वो मुसलमानों का है, यहाँ के उलमाए किराम का है। ऐसा यहाँ पर हमने कई मरतबा इस बात को सुना है, जब मुल्क आज़ाद हो रहा था तो सबसे ज़्यादा संघर्ष अगर जिस कौम ने उसकी आज़ादी के लिए किया है तो वो इताअत व फर्मबरदारी करने वालों बंदों ने किया है। और कई पेड़ों पर यहाँ पर हमारे उलमाए किराम के जो है वहाँ पर डेथ बॉडीज लटके हुए थे। ये इस कौम की सबसे बड़ी मिल्कियत है कि आज़ादी में हमारा सबसे बड़ा हिस्सा है। हुब्बुल वतनी जुज़्बुल ईमान, वतन से मोहब्बत, ये ईमान का हिस्सा है। अब मौलाना जो बातें कह रहे थे उसके तरफ हम आएंगे, वक्त अच्छा है। और ये वैल्यू एजुकेशन कमेटी के मुताबिक कुछ बातें मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। फिलहाल ये है 9 तारीख को, इसी तरीके से इसी तेजाब में रहना है, ये वहाँ जाना, ये बच्चों को सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, लड़कियों का नहीं होता। बहरहाल अपने कॉलेज में एक वैल्यू एजुकेशन कमेटी है, और उसका ये काम है, और तमाम हम सब का काम है, सिर्फ कमेटी का काम नहीं है। जैसा मैंने कुरान की आयत आपके सामने तिलावत की थी, वमन अहसनु कौलन मिम्मन दा इलल्लाहि व अमिल सालिहा व काल इन्नी मिनल मुस्लिमीन, उससे अच्छी बात किसकी हो सकती है जो अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाए, खुद भी अमल साले करे और इस बात का ऐलान करे कि मैं इताअत व फर्मबरदारी करने वालों में से हूँ। कुरान करीम की दूसरी आयत है, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह, के दुनिया के नफार असर लोगों को अच्छाई का हुक्म करते हो और बुराइयों से रोकते हो। ये हमारा मिशन है कि हम लोगों को अच्छाई की तरफ दावत दे और खुद भी अमल करें और उनको बुराई से रोके। और एक हदीस हम बार बार सुनते हैं कि अल्लाह सुबहान व तआला ने अगर इतनी सख्त दी, इतनी ताकत दी कि बुराई को होते हुए देखे तो अपने हाथ से उसको रोके, अपने जबान से उसको रोके। अगर वो भी नहीं कर सकते, आखिरी ईमान का दर्जा है कि कम से कम इसको दिल में बुरा जाने, या और ईमान का सबसे छोटा, तो ये बात हमेशा याद रखना चाहिए। कुरान हमको इस बात पर उभारता है, मौलाना ने जिस कुरान की तिलावत की है उसके ताल्लुक से खुद कुरान कुरान के बारे में ही कहता है, वो इन कुंतुम फी रायबिम मिम्मा नज़लना अला अब्दिना फातु बिसूरतिन मिन मिस्ली वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन फइन लम तफअलु वलन तफअलु फत्तकुन नार अल्लती वकूदुहा अन्नास वल हिजारा उद्दत लिल काफिरीन। कुरान कुरान के ताल्लुक से ये कहता है कि वह इन कुंतुम फी रायबिम मिम्मा नज़लना, कि क्या तुम उस बात में शक करते हो कि जो हमने अपने बंदे के ऊपर नाजिल किया, और अगर है ऐसा तो इस जैसी एक सूरत ले आओ। फिर कुरान चैलेंज करता है, मैं मिसली तुम इस जैसी एक सूरत लाओ और तुम तुम्हारे तमाम सपोर्टर्स की मदद लेकर ये काम अंजाम दो। बहरहाल हमको ये कुरान का पैगाम, रसूलुल्लाह का पैगाम हमेशा याद रहना चाहिए। मैं फिर एक बार आज़ादी के अमृत महोत्सव की आपको दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मज़हर अहमद फारूकी साहब यहाँ मौजूद है, मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूँ इस सर का आप इस्तकबाल करें। आज़ादी मैं तौफीक सर से गुजारिश करता हूँ कि आज़ादी से मुतालिक कुछ अचार सुना। ये महीना इंकलाब का है, तो एक बार इंकलाब का जोरदार नारा करवाइए, इंकलाब हर शहीद हर गरीब का हमें तो ख्वाब है।
रुके न जाओ, लड़ रहे हैं इसलिए कि प्यार जग में जी सके, आदमी का खून कोई आदमी न पी सके, आदमी का खून कोई आदमी न पी सके। लड़ रहे हैं इसलिए कि प्यार जग में जी सके, आदमी का खून कोई आदमी न पी सके। मालिक मजदूर को नौकर और हुजूर के फर्क को मिटाएंगे, समानता को लाएंगे, समानता को लाएंगे, समानता को लाएंगे। मालिक और मजदूर के नौकर और हुजूर के फर्क को मिटाएंगे, समानता को लाएंगे, समानता को लाएंगे, समानता को लाएंगे। धर्म के देश के भाषा और भेष के फर्क को मिटाएंगे, एकता को लाएंगे, एकता को लाएंगे, एकता को लाएंगे। रुके न जो मिटे न जो दबे न जो, हम वो इनकलाब है जुल्म का जवाब है, हर शहीद हर गरीब का हमी तो ख्वाब है। इनकलाब, इनकलाब। हमारी शान, हमारी जान सर, विद काइंड परमिशन ऑफ आवर प्रिंसिपल, अब मे आई मै इनवाइट मिस साधना ऑफ 12th साइंस टू प्लीज प्रेजेंट वन पैट्रियोटिक सॉन्ग। गिव हर अ बिग हैंड प्लीज, बॉयज एंड लेडीज एंड जेंटलमैन।